Hi everyone, so this video is going to be summer video of computer network practical in the topology chapter. So इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं जितने भी टोपोलॉजी होते हैं उनके बारे में. सबसे पहले व्हाट इज टोपोलॉजी. तो टोपोलॉजी होता है जो सभी नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये जो इंटरकनेक्शन का जो मॉडल बनता है, पैटर्न बनता है, इनको हम टोपोलॉजी कहते हैं. इनके मेनली दो टाइप्स होते हैं, पहले लॉजिकल, दूसरा फिजिकल. तो फिजिकल होता है इसमें एक्चुअल कंप्यूटर्स होते हैं वो केबल की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये जो नेटवर्क फॉर्म होता है तो वो फिजिकल कहलाता है, ठीक है. और लॉजिकल जो होता है ये हमें आइडिया देता है फिजिकल नेटवर्क के डिज़ाइन के बारे में. जितने भी फिजिकल नेटवर्क तैयार होते हैं उनका एक लॉजिकल डिज़ाइन पहले तैयार किया जाता है तो उसको लॉजिकल टोपोलॉजी कहते हैं. जो लॉजिक होता है टोपोलॉजी का और ये एक्चुअल टोपोलॉजी को फिजिकल कहते हैं, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ ये टोपोलॉजी जिसको P2P टोपोलॉजी, मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट इसको भी नाम कहा जाता है, बस, रिंग, स्टार, ट्री, मेस, हाइब्रिड. आगे देखते हैं हम इनके बारे में. तो सबसे पहले आता है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है. तो इसको P2P भी कहते हैं, मतलब ये एक दूसरे से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में दो कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं, डायरेक्ट लिंक जुड़े रहते हैं इन दोनों के बीच, इनको हम पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं. उसके बाद आता है बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक जो केबल होता है वो स्पाइन की तरह काम करता है और इनसे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सिंगल केबल की मदद से कनेक्टेड होते हैं. तो ये जो नेटवर्क फॉर्म होता है उनको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये एक बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है. उसके बाद आता है रिंग टोपोलॉजी. जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक कंप्यूटर्स उनके दो नेबरहुड होंगे, ठीक है, दो नेबर कंप्यूटर्स होंगे और जो वो नेटवर्क फॉर्म करेंगे ये रिंग के शेप का होगा वो, इसलिए उनको इस टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है स्टार टोपोलॉजी. जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक हब की मदद से कनेक्टेड रहते हैं. यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं जितने भी कंप्यूटर्स हैं और इनका जो डिज़ाइन होता है वो स्टार की तरह दिखता है, इसलिए इनका नाम स्टार टोपोलॉजी है. इसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी. तो ट्री टोपोलॉजी इनको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसका पहला जो टोपोलॉजी का जो ये डिवाइस होता है इनको रूट कहा जाता है, ठीक है. और ये रूट के जितने भी चिल्ड्रन होते हैं ये एक पेरेंट की तरह काम करता है रूट, और जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं इन रूट से. और ये जो हायरार्की फॉर्म होता है इस टाइप के नेटवर्क को हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी, ठीक है. उसके बाद आता है मेश टोपोलॉजी. तो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सभी कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं. जैसे पांच हमारे पास कंप्यूटर्स हैं तो पहला वाला पांचवें से भी रहेगा, पहला वाला दूसरे, तीसरे, चौथे, मतलब हर कंप्यूटर सभी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेंगे, मतलब डायरेक्ट हम उसमें इंटरेक्शन कर सकते हैं. तो इस टाइप का जो टोपोलॉजी जो नेटवर्क फॉर्म होता है उनको हम मेश टोपोलॉजी कहते हैं. यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक. अब आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी. तो हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है ये टू, दो और दो से ज़्यादा जो हम अगर टोपोलॉजी को मिला देंगे और उसका जो नेटवर्क डिज़ाइन तैयार होगा उनको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं. ये थोड़ा एफिशिएंट टोपोलॉजी होता है. तो यस, ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, या हम स्टार को, रिंग को, या फिर स्टार, रिंग, बस, दो या दो से ज़्यादा अगर हम टोपोलॉजी को मिक्स करके हम उसका नेटवर्क तैयार करेंगे तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी फॉर्म होगा. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हब की मदद से ये स्टार टोपोलॉजी है, ये रिंग टोपोलॉजी है, और ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था बस टोपोलॉजी. ये स्पाइन है, एक केबल से सभी मल्टीपल्स कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करना.